देखते हैं एग्जाम में जो रिडॉक्स रिएक्शन से सवाल आते हैं उनके लिए एक कॉन्सेप्ट। अगर कंपाउंड ठीक अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कंपाउंड का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमेशा काम करेगा, कंपाउंड कोवेलेंट होगा और एसिडिक होगा। नंबर टू, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कंपाउंड किसमें है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कंपाउंड आयनिक और बेसिक होगा। अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और एम्फोटेरिक इन नेचर होगा, यानी एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों की तरह काम करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक ना, तो इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।